वीजा एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीजा एक्सपर्ट। दोस्तों, स्लोवेनिया वर्क परमिट यूरोप शेंगन वर्क परमिट आया है हमारे पास, कुछ वैकेंसीज हैं और डिटेल बताऊंगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों मेरे साथ बनी रहिए। जो बंदा स्लोवेनिया जाना चाहता है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, डिटेल आपको बताऊंगा। इसमें मुझे फैक्ट्री हेल्पर चाहिए, नॉर्मल हेल्पर चाहिए, ठीक है। इसमें कोई इसमें स्किल्ड नहीं है, हेल्पर चाहिए मुझे फैक्ट्री के लिए बंदे, एग्रीकल्चर के लिए बंदे। और जो उनकी सैलरी होगी वो 600 से 800 यूरो होगी सैलरी। अकोमोडेशन मिलेगा उनको, फूड नहीं मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल मिलेगा, टीआरसी मिलेगी, ठीक है। दोस्तों जो इंडिया से ही टीआरसी के पेपर आपको मिलेंगे और वहाँ जाके स्लोवेनिया का, देखिए आपको प्रोसेस बताता हूँ स्लोवेनिया का, पीआर तक का प्रोसेस क्या होता है। स्लोवेनिया अगर आप चले जाते हैं दोस्तों वहाँ पे, तो फाइनली आपको 2 साल का तो एग्रीमेंट मिलता ही मिलता है, ठीक है। 2 साल के बाद आप कंप्लीट करते हो तो 3 साल का आपको और मिल जाता है। 3 साल के बाद दोस्तों आपको 5 साल टोटल पूरे हो जाते हैं। 5 साल होने के बाद आपको जो स्लोवेनिया का पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट इज़ वेरी पावरफुल है स्लोवेनिया का, अगर आपके पास है। स्लोवेनिया के पासपोर्ट पर कहीं पर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कहते हो कि मैंने पुर्तगाल जाना, वो तो छोड़ ही दो दोस्तों, यूके वगैरह, जापान, साउथ कोरिया, क्योंकि स्लोवेनिया ऐसी कंट्री है जो पीआर बहुत आसानी से देती है और उसमें कोई ज़्यादा उसमें कुछ वो नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। स्लोवेनिया वर्क परमिट है और नॉर्मल मुझे फैक्ट्री हेल्पर चाहिए। बाकी देखिए, स्लोवेनिया से पुर्तगाल मूव हो सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि लोग पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो स्लोवेनिया वीज़ा होगा, वो आप जा सकते हो, ठीक है। जो बंदा मूव होना चाहता है मूव हो सकता है, जिसने वहाँ पर काम करना है तो उसको टीआरसी वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, पासपोर्ट चाहिए आपका, आपका पीसीसी रिक्वायर्ड चाहिए, पोस्टल विजिट ट्रांसलेट चाहिए, ठीक है, वो अगर आप करवा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम करवा देंगे। एजुकेशन चाहिए, मिनिमम +2 होना चाहिए बच्चा, और इंग्लिश आनी चाहिए उसको, नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए, सेल्फ अपना बोलना आना चाहिए, सारा कुछ, डम बच्चा नहीं चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे वहाँ पे स्लोवेनिया इंग्लिश कंट्री, थोड़ा इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश आनी चाहिए आपको प्रॉपर। और 1 साल का वर्क परमिट एक्सटेंडेबल टीआरसी मिलेगी, जितना टाइम काम करोगे उतना टाइम आपको टीआरसी बनती जाएगी, एक्सटेंड होती जाएगी, ठीक है। 600 से 800 यूरो सैलरी, इससे ज़्यादा ही मिलेगी, हमने मिनिमम आपको बोला है कि इतनी मिलती है, और उसके ओवर टाइम डाल के सारा काम करके 1000+ आप अर्न करोगे। बाकी दोस्तों बहुत अच्छा स्लोवेनिया का है, अभी वर्क परमिट आया है। जो प्रोसेस टाइम है दोस्तों 3 से 4 महीने का प्रोसेस टाइम है, और पहले आपका जो परमिट आता है, परमिट के बाद स्टैंपिंग होती है, सारा टोटल प्रोसेस होता है, तो इसमें जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है। 3-4 महीने लगा के चलिएगा, उससे पहले हो गया ठीक है, नहीं तो उसके बीच में आपका जो है प्रोसेस पूरा हो जाएगा। बाकी आफ्टर वीज़ा पेमेंट है, कोई एडवांस पैसा नहीं है इसमें। बाकी कोई भी अगर स्लोवेनिया जाना चाहता है तो कॉन्टैक्ट करे। कुछ वैकेंसीज हैं, ज़्यादा वैकेंसीज इसमें नहीं है। पीसीसी चाहिए, एसपी ऑफिस की हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो करवा के दे सकते हो। पासपोर्ट वाली नहीं चाहिए, और पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशन, मेडिकल, और आपका पीसीसी चाहिए। पोस्टल होनी चाहिए, वो ट्रांसलेट भी होनी चाहिए, वो अगर आप करवा सकते हो ठीक है, नहीं तो हम करवा के दे सकते हैं। बाकी कुछ आपको नहीं समझ लग रहा तो कॉल करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।